नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर प्रियंका, आपकी मोटिवेशनल कोच। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड राशि के बारे में, यानी कि मिथुन राशि के बारे में। मैं आप सभी से बात कर रही हूं ना कि कैसे रहने वाला 45 डेज का मंगल का ट्रांजिशन सभी 12 राशियों के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब भी ट्रांजिशंस होते हैं तो हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आते हैं, और हर राशि के लिए, हर कुंडली के लिए एक अलग बदलाव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जिस जन्म के समय पर पैदा होता है, उसका जन्म होता है, उस भाव का जो मालिक है, मंगल हो चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, उनका हर एक ग्रह का घर जो है अलग होता है। और इस बार जो ट्रांजिशन हो रही है जेमिनाइज, आपके मंगल की जो ट्रांजिशन है वो हो रही है 12 जुलाई को 45 डेज के लिए, और आपकी कुंडली में हो रही है 12वें घर में। जी हाँ, 12वां घर फॉरिजन यात्रा का भी है, विदेश यात्रा का। 12वां घर फालतू के खर्चों का भी है, 12वां घर मोक्ष का भी है, और 12वां घर आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा ट्रांजिशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है मंगल 12 जुलाई को। 45 दिन का ट्रांजिशन आपके लिए कैसा साबित होगा जेमिनाइज, यानी कि मिथुन राशि वालों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो में दूंगी आपको विशेष महा उपाय। और साथ ही में बात कर लेते हैं फटाफट से कैसे रहने वाला है आपके बिजनेस के लिए जेमिनाइज, क्या लेकर आने वाला है 45 डेज का ये बदलाव 12वें घर का। अब देखिए, 12वें घर की जब बात आती है ना, तो मंगल जब 12वें घर में हो तो लोग मांगलिक भी होते हैं, 12वें घर फालतू के खर्चे भी कराता है, 12वां घर जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन, सर्जरीज या हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। मंगल 12वें घर में ट्रांसिट हो रहा है तो क्या बोलूंगी, हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है जेमिनाइज। आपको छोटी मोटी चोट लगने के यहाँ पे चांसेस जो है हो सकते हैं, तो अपना खास ख्याल रखें, गाड़ी संभल कर चलाएं, फालतू की ऐसी चीज़ें ना करें, वेट लिफ्टिंग ना करें जो आपको नुकसान दे दे, कोई भी आपको इंजरी दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। 45 डेज का ट्रांजिशन जेमिनाइज 12वें घर में हो रहा है, और 12वें घर की मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि क्या आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर अच्छा साबित होगा। जी हाँ, यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और साथ में आ रहा है द हाई प्रेस्टियस। काम में मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कार्य नहीं हो पा रहा, तो किसी मेंटोर की सलाह ले लें। मैं हमेशा मेंटोर की सलाह लेने के लिए इसलिए कहती हूँ, कभी कभी जो दिमाग हम नहीं चला सकते ना, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे मेंटोर या हमारे कहते हैं ना कि एक मोटिवेशनल कोचेस आपको हेल्प करते हैं चलाने में। एस ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत, पैसा का एक कह सकते हैं विंडफॉल आपके लिए लेकर आ रहा है। प्रॉपर्टी, लैंड खरीदने का ये टाइम हो सकता है। 45 दिन में आपके लिए बड़ा ट्रांजिशन आ सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है, बड़ा प्रोजेक्ट जो है आपकी झोली में आके गिर सकता है, मंगल आपको ये दे सकता है। आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है यहाँ पर जेमिनाइज, रहेगा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कार्ड आ रहा है डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, कहते हैं कि जब भी डेथ कार्ड, यानी कि टैरो में एक डेथ कार्ड होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मरने वाले हैं या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है। जब भी डेथ कार्ड आपके टैरोज में आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बुरे लोग, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी जाने का टाइम आ गया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून अगर साथ में आ जाए तो सोने पर सुहागा का ये काम करता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आता है नई शुरुआत, एक नया ट्रांजिशन आपकी लाइफ में, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। बुरा समय निकल चुका है रिलेशनशिप को लेकर, अच्छा समय जो है वो आ गया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि नए रास्ते रिश्तों के लिए आपके खुलने वाले हैं। जी हाँ, कोई आपके जीवन में आ सकता है, हो सकता है कि जिसका आपको इंतज़ार हो वो भी आपको मिल सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान मिलने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर शो कर रहा है। सूर्य का कार्ड है, कार्ड ये भी बता रहा है कि रिश्तों में अब आपको भी पहल करने की ज़रूरत है, रिश्तों को संभालने की आपको भी ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि जो जा रहा है उसे जाने दें, क्योंकि नए की एंट्री यहाँ पर होती नज़र आ रही है और पॉजिटिव वे में होती नज़र आ रही है, तो आपको ये देगा काफ़ी सारा अच्छा फल। ये 45 दिन आपके रिश्ते की जर्नी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बनने वाले हैं। आपके लक के बारे में बात कर लेते हैं, तो लक कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बचें जो आपको नुकसान दे सकते हैं, घात दे सकते हैं, क्योंकि कोई आपका ऐसा अपना होगा जो बिजनेस के टर्म्स में आपसे कुछ बातें छुपा रहा होगा जिसका पता आपको अभी तक नहीं होगा, लेकिन आपको जल्दी ही उसका पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति लेडी है, कौन है, या कोई आदमी है, या कोई आपका अपना है, कोई दोस्त है, या आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में से ही कोई वो व्यक्ति है, ये आपको पता चल जाएगा जेमिनाइज। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, गेट टुगेदर्स में आप मुझे स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, लक लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, लेकिन लक को शेयर करना ज़रूरी है, गरीबों की मदद करना ज़रूरी है, नीडी पीपल की मदद करना ज़रूरी है। लक आए तो उसे शेयर ज़रूर करें। कौन सा लक? मनी अगर आती है, दूसरा लक नहीं बोल रही, वो आपका लक कोई नहीं लेके जा सकता।
पैसा आए तो उससे जरूरतमंदों की जरूर कुछ मदद करें, कुछ फ्राइडे के दिन स्पेशली कुछ खाना खिलाएं, व्हाइट कलर की टी शर्ट्स का दान करें। ऐसा करने से आपकी प्रॉस्पेरिटी डबल होती है। कोशिश करें कि आप अंधों जो अंधाले होते हैं वहाँ पर जाकर आप कुछ खीर दान करें, कुछ खीर जो है उनको खिलाएं। आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ यहाँ पर परफेक्ट रहने वाली है। जेमिनाइज, वाह, व्हाट अ कार्ड्स फॉर योर हेल्थ। द मैजिशियन, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में आता है द हैंगमैन। दिस मींस कि हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ को लेके ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनना है अपनी हेल्थ को लेके कि ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर प्रॉब्लम है समाधान निकालें, प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। ओवरऑल जेमिनाइज आपके लिए रीडिंग होती है बहुत अच्छी साबित, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है बेटरमेंट के लिए आएगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो उपाय मैं आपको दे चुकी हूँ, दान आपको करना है, नेगेटिव लोगों को आपको जाने देना है। कौन सा क्रिस्टल करें, धारण क्रिस्टल आपको पहनना है, ब्लैक टर्मलिन या स्मोकी क्वार्ट्ज, जिसको पहनने से आएगी क्लैरिटी, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, नज़र टोक आपको नहीं लगेगी और सारे दोष जो है नेगेटिविटी के आपसे बचे रहेंगे। और साथ ही में आप खीर का दान करें, डोनेशन करें, या स्ट्रे डॉग्स को भी आप फीड करवा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने लव एंड फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे पर्सनल बात करने के लिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मेरे नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग जो है हमसे करवा सकते हैं। नमस्कार सभी को, जय माँ काली।